हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड व्यू देखिए बाहर का, ऐसा लग रहा है किसी हिल स्टेशन पे आ गए हैं। काफ़ी अच्छा आज मौसम किया था, बहुत ही प्यारा। और मैंने थोड़ा देर बाहर का व्यू लिया, वहाँ पे थोड़ा खड़ी रही अपनी बालकोनी में, और उसके बाद मैं आ गई अपने काम करने के लिए, क्लीनिंग वगैरह। तो हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, उनको मैंने ब्रेकफास्ट बना करके दे दिया और उन्हें वो तैयार हुए और चले गए, और मेरे दिन की शुरुआत उनके जाने के बाद स्टार्ट हो गई। और उन वो चले गए, उसके बाद मैं सो गई थी। सोने के बाद मैं उठी, चीकू का ड्रेसिंग वगैरह की, उसको ब्रेकफास्ट कराई, और फिर मैं अपना घर की क्लीनिंग करने लगी। मेरी फ्रेंड की बेटी आई हुई थी सोनम, तो वो ऐसे आती है चीकू के साथ खेलने के लिए। चीकू उसके साथ खेल रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ, मम्मा मम्मा करके रोने लगा। तो मैं उसको थोड़ा देर प्यार कर दे रही थी कि वो खुश हो जाए और फिर वो अपना खेले, फिर मैं अपना काम करूं। और वो ना थोड़ा थोड़ा देर में मुझे नहीं देखता है ना, तो रोने लगता है और खोजता है। अभी बहुत छोटा है तो उसे ऐसा लगता है कि मम्मा कहाँ चली गई। फिर मैंने उसे सोनम को दे दिया, और बाकी का जो मेरा प्रोसेस था अपने क्लीनिंग का वो मैं करने लगी। बेडशीट वगैरह चेंज करना था मुझे, तो वो सब मैंने किया, और सेकंड वाले रूम का भी बेडशीट मुझे चेंज करना है, वो भी मैं कर दूँगी। और आज गाइस मौसम बहुत अच्छा किया था, इसलिए ना मॉर्निंग में मैं सो गई, बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, और काफ़ी गहरी नींद में मैं सो गई थी। एंड चलिए, ये वाली रूम की तो क्लीनिंग हो गई, सेकंड वाले रूम की क्लीनिंग करती हूँ। इसकी बेडशीट मुझे चेंज करनी है, न्यू बेडशीट मैं बिछाऊंगी और इसको क्लीनिंग के लिए डाल दूंगी। आज तो इसे वॉश नहीं करूंगी, अब मैं कल इसे वॉश करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी कपड़ा मैंने वॉश कर दिया है। और अच्छा लगता है अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप लोगों का क्या चल रहा है बताइएगा। सबसे बड़ा टास्क होता है ना बच्चे को लेकर के सारे क्लीनिंग वगैरह करना, और उसके बाद खाना वगैरह सब कुछ अकेले देखना, बच्चे को देखना, यार एक हाउसवाइफ के लिए बहुत टफ हो जाता है। बट क्या करें, ड्यूटी अपनी करनी है। और हस्बैंड रहते हैं तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, जिस टाइम उनका वीकेंड रहता है वो चीकू को ले लेते हैं, तो मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। अदरवाइज जो है मुझे अकेले ही करना पड़ता है। अभी तो सोनम आई है उसके साथ खेलने के लिए, तो मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया अपना काम करने का, इसलिए मैं जल्दी से बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। अदरवाइज जब चीकू सो जाता है उस टाइम पे मैं बेडशीट वगैरह जो एक्स्ट्रा काम होता है वो सब कर लेती हूँ, और खाना भी मैं सोचती हूँ कि उसके उठने से पहले ही बना लूँ अगर हस्बैंड नहीं रहते हैं तो। वो रहते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूँगी, और उसके बाद मुझे पोछा भी लगाना है। पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। लंच में मैं आज कुछ सिंपल सा बनाऊँगी, क्योंकि मुझे आज मेरा थोड़ा लेट हो गया था, तो मतलब अगर मैं प्रॉपरली खाना बनाऊंगी तो मेरा और भी लेट हो जाएगा, तो मैं वन प्लेट मील बनाऊंगी। और यहाँ मैंने आपको दिखाया पूरा घर की क्लीनिंग हो गई है, मेरा घर कितना प्यारा लग रहा है। और ना पता है, जब पूरा क्लीनिंग हो जाता है ना, तो मुझे लगता है कि हर लेडीज़ को अपना घर सबसे प्यारा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब पूरा क्लीनिंग वगैरह हो जाता है तो। एंड मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, और यही सब चल रहा है। और क्या, और ना मैं यहाँ वाला जो है हॉल वाला बेडशीट भी मुझे चेंज करना है,
वो मैंने अभी नहीं किया है, वो भी मैं कर दूंगी आजकल में। और चिकू और सोनम गए थे नीचे खेलने के लिए, तो वो लोग आ रहे थे। एंड गाइस फिर से देखिए, आज ना मैं आपको बहुत ज़्यादा व्यू दिखा रही हूँ, क्योंकि ना आज का जो वेदर है इतना प्यारा है कि मत पूछिए। और नीचे गाय बैठे हुए हैं, और जब बारिश का ऐसा मौसम कर रहा है ना, तो मुझे लगा कि चलो मुझे चाय पीनी चाहिए। तो आज 11 बजे वाली चाय जो थी वो स्किप हो गई, तो मैं अभी बना ली थोड़ा चाय। और थोड़ा सा ना थक जाने के बाद थोड़ा चाय पियो ना बैठ के, तो अच्छा लगता है। तो मैंने चाय और नमकीन लिया, और फिर मैंने कपड़ा वॉश किया हुआ था उसको मैं धोने के सुखाने के लिए आ गई छत पे। और यार बारिश भी आ गई थी, उसके बाद मुझे लगा मैं कपड़ा सुखाऊं या नहीं सुखाऊं। तो फिर थोड़ा सा मैंने वेट किया, तो देखा कि नहीं, एक बार बारिश आ रही है, फिर धूप हो जा रही है, फिर बारिश आ रही है, फिर धूप हो जा रही है। और बारिश ना उतना ज़ोर ज़ोर से नहीं हो रहा था, बहुत ही हल्का हो रहा था। तो वॉशिंग मशीन में मैं कपड़ा वॉश की थी, तो मैंने सोचा कि चलो हल्का सा हवा लगेगा ना तो कपड़ा सूख जाएगा, फिर मैं लेके चली जाऊँगी, इसलिए मैंने उसको सुखा दिया। और फिर बारिश आई भी नहीं, हल्का फुल्का आया था फिर बंद हो गया था। और कपड़ा ना रोज के रोज धो लो तो फिर सही रहता है, और फिर लेट हो जाता है ना तो फिर बहुत सारा जमा हो जाता है, वो सही नहीं लगता। एंड मैं छत के ऊपर से आपको अपने घर का व्यू दिखा रही हूँ। यार ये या आकाश देखो कितना प्यारा लग रहा है, नीला नीला, और उसमें बादल है, बहुत प्यारा लग रहा था देखने से। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी थोड़ा शेयर करती हूँ। मेरे घर के पास ना काफ़ी अच्छा हवा चलता है, आप देख पा रहे होंगे, एंड काफ़ी अच्छा व्यू भी दिखता है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा शेयर करती हूँ। और आज का तो मौसम बहुत ही अच्छा था, मैं कपड़ा सुखाने के लिए चली गई थी, उसके बाद मैं सोची मैं आ जाती हूँ नीचे, लेकिन इतना अच्छी हवा चल रही थी और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो मैं थोड़ा देर वहीं पे रुक गई। और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश आ रही थी, तो मैंने आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा यहाँ का जो व्यू है वो शेयर किया। फिर मैं नीचे आ गई, चिकू और सोनम नीचे थे, वो लोग कुछ खा रहे थे नमकीन वगैरह, और मैं जो चाय बनाई थी उसको पी रही थी। तभी काफ़ी गर्म था, तो मैं सोची चलो कपड़ा सुखा के आती हूँ उसके बाद पीऊँगी। तो यहाँ हम, मैं, सोनम और चीकू, मैं तो चाय पी रही थी और वो लोग नमकीन खा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। और फिर मुझे लंच बनाना है, देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी। मैं तो वही 1 पॉट मील में मैं सोच रही हूँ मूंग और मसूर की दाल मिक्स करके गोविंद भोग राइस से मैं खिचड़ी बना दूँ, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। गोविंद भोग राइस अगर नहीं जानते तो कोलकाता में इसी राइस से खिचड़ी बनती है, और जो जो चावल से खीर वगैरह भी बनती है ना, तो वही उसी को हम लोग गोविंद भोग बोलते हैं। उसकी खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा यम एंड टेस्टी बनती है। तो चीकू कैसे खा रहा है नमकीन देखिए, उसे ना मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे नमकीन चीज़ें अच्छी लगती है खाने में। और मैं भी कभी कभी दे देती हूँ, बच्चा है उसको भी मन करता होगा, बाहर की चीज़ें वो कम ही खाता है, बट कभी कभी थोड़ा सा इंजॉय करना चाहिए, लाइफ है। और यहाँ पे मैं खिचड़ी बनाऊँगी, तो यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया है, रिफाइंड ऑयल 2 टेबल स्पून होगा, और 1 बेलीव्स, 2 ड्राई रेड चिली, और थोड़ा सा क्यूमिन मैंने ऐड किया है ऑयल में। एंड थोड़ा सा ना एवरेस्ट का मैं हींग ऐड करूँगी, एवरेस्ट का हींग मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ना 2 मीडियम साइज के पोटैटो कट करके रखा हुआ था, उसको भी मैं ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके बाद मैंने सॉल्ट ऐड किया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड ये वाली जो खिचड़ी है ना गाइस, बहुत ज़्यादा यम एंड टेस्टी बनती है। और थोड़ा सा टर्मरिक ऐड किया है, हाफ टेबल स्पून ऐड किया होगा, और जिंजर और गार्लिक का
पेस्ट ऐड किया है। आप ना जिंजर गार्लिक को थोड़ा सा क्रश करके या कूट करके भी ऐड करोगे ना तो अच्छा लगेगा। मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट था तो मैंने सोचा चलो वही ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे ना गोविंद भोग राइस, मूंग की दाल और मसूर की दाल मैंने भिंगो करके रखा हुआ था, फिर वॉश करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और गैस ये जो खिचड़ी है इसमें मैं चिली वगैरह ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे चिकू को भी खिलाना है। और यहाँ पे मैंने ना भाजा मसाला बनाया है, ये बंगाल का काफ़ी फेमस मसाला है और गरम मसाला मैंने ऐड किया। तो ये जो भाजा मसाला है इसमें धनिया, जीरा, सौंफ और रेड चिली होती है। इसको अच्छे से फ्राई करके फिर इसका एक पाउडर बना लेते हैं हम लोग। एंड इसको ना हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। बस ये इतने ही इंग्रेडिएंट्स से बहुत ज़्यादा यम एंड टेस्टी बन जाता है। आप चाहो तो इसमें वेजिटेबल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और ये है देसी घी जो मैंने ऐड किया है, ये मैंने घर पे बनाया है। और आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा। एंड ये गाय के दूध की देसी घी है। एंड इसमें मैं सफिशियंट वाटर ऐड कर दूंगी, जैसा आप भी आपको खिचड़ी पसंद है थिक एंड लिक्विडी, जैसा भी आपको पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग वाटर ऐड कर दीजिएगा। एंड 1 विसल आने तक मैं इसको कुक करूँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और झटपट बन जाने वाली 1 पॉट हेल्दी मील है ये। एंड यहाँ पे चल रहा है सोनम और चिकू की मस्ती। तो ये देखिए ये इतना ज़्यादा मतलब चंचल है ना, मैं क्या ही बोलूँ। और सोनम इसके साथ बचपन से खेलती आ रही है तो उसको भी अच्छा लगता है इसके साथ खेलना। और बच्ची को ना बच्चा ही पसंद आता है तो ये बहुत इंजॉय करता है। सोनम के साथ उसका एक भाई है रोशन, वो भी आता है उसके साथ, ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है खेलता है। उसको भी मैं किसी दिन वीडियो में दिखाऊंगी। फिर मेरा भी सारा काम वाम ख़त्म हो गया, मैं भी आ गई लोगों के साथ इंजॉय करने के लिए। और यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।